सो गाइस राइट नाउ अभी हम लोग पहुंच गए हम लोग के होटल मैसूर में. दिस इज द लॉबी है हम लोग के होटल का, और ये होटल का लाइटिंग लगने के बाद ये होटल एक नंबर दिखता है. सो आपको रात का भी व्यू दिखाऊंगा यहाँ से. हमारा रूम वहाँ पे, पर एक्चुअल कीज वर्क नहीं कर रहे इसलिए हम लोग रुके. कौन यहाँ पे तुम लोग है? नीचे कौन सोने वाले? एक नंबर भी मिले तुम लोग को तो. हेलो ब्रो, ये छोटू सा वॉशरूम और ये है शॉवर एरिया. वहाँ पे हम लोग का कार्ड एक्टिव नहीं हुआ तो सो यहाँ पे हिमांशु ने की लगा. की लगाना है तू, आगे देख आगे देख. छोटा सा वॉश और ये बॉम्बिंग एरिया सामने में, ये ड्रेसिंग एरिया. ओके और ये हम लोग के विंडो से व्यू बैक साइड भी देखा. चलो फोन करते हैं इसकी. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं और राइट नाउ हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, जो कि हम लोग का लंच यही होटल में फर्स्ट फ्लोर में. हेलो गाइस, सो दिस इज आवर लंच. तो अभी हम लोग निकल रहे टूवर्ड्स मैसूर पैलेस और हम लोग का यहाँ पे खाना खा के हो चुका था, जो कि खाना एवरेज था, घर को उतना पसंद नहीं है. लेकिन रात को बोल रहे हैं नॉनवेज और रात को आज ये डीजे पार्टी जो कि 7:30 के आसपास स्टार्ट होगा. Here we are entering the Royal Palace of Mysore. Right now, यहाँ पे अभी हम लोग को instructions देने वाले और यहाँ पे भीड़ देख सकते हो आप कितना. निकलना पड़ेगा. मैसूर का पैलेस सबसे बड़ा पैलेस है, यहाँ पे पूरा गार्डनिंग करके रखा है बीच में और अंदर बहुत जगह वीडियोग्राफी नॉट अलाउड है. सो आपको जितना हो सकता है उतना पॉसिबल मैं दिखाने का कोशिश करूँगा. आप देख सकते हैं ये सब फर्नीचर एंड मार्बल से, उस जमाने के मार्बल से फर्नीचर से सब.
एंशियंट लिफ्ट जो कि लिफ्ट ऊपर है, दिख रहा नहीं है। और यहाँ पे अभी सब लोग मेरा सेल्फी निकल रहे हैं। हिंदी मध्ये पण बोलू शकतो, यू कॅन टॉक इन हिंदी आल्सो। नो, आई वांट टॉक इन इंग्लिश बिकॉज देयर आर सो मेनी फॉरेनर्स हियर, सो शी इज कीपिंग हर स्टैंडर्ड हाई ओनली। सो लाइक डांस हो जाए ब्रो, ब्रो एक डांस रेडी पर नहीं, आज मूड नहीं, मूड नहीं है। काय के क्या रेडी हो रही है, बहुत हो गया तुम लोग का सेल्फीज वगैरह, अभी निकल जाओ प्लीज। स्पेशली तेरे को बोल रही है, समझा कर फिर। शाबाश बेटा। She is saying that वो इमेजिन कर रही है उस टाइम में रानी ऐसा घाघरा लेके ऊपर लेके ऐसा हाथ में वापस स्टेज के नीचे आ रही थी। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं ये पैलेस बहुत ही बड़ा है, अंदर तक है, पर दिस इज द रेजिडेंशियल एरिया जो कि यहाँ पे अभी भी रहते थे लोग, उनके पीढ़ी अभी भी यहाँ पे रहते हैं। और हम लोग यहाँ से एंटर किए थे और यहाँ से एग्जिट भी ले लिया हम लोग ने। ये एक्चुअल बहुत बड़ा पैलेस है पर पब्लिक के लिए अभी सिर्फ थोड़ा सा एरिया ओपन रखे, बाकी सब बंद है। यार कुछ तो बात है ये विंडो सीट में, मतलब यूं खिड़की के पास बैठना, गुजरते रास्तों को देखना, जो भी नजर आता है उसको मन में भरना और ये सब करते करते अपने ख्यालों को बुनना। So guys, आज के मेन स्पॉट में आ चुके हैं जो कि वो है वृंदावन गार्डन। एज यू कैन सी हम लोग के सामने है डैम रिजर्वॉयर। ये वृंदावन गार्डन मैसूर सिटी से 12 किलोमीटर दूर है और ये है मेन स्पॉट ऑफ अट्रैक्शन जो कि मैसूर का मेन टूरिस्ट स्पॉट है ये वृंदावन गार्डन। और ये गार्डन बनने को टोटल 5 साल लगा, जो कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1928 और कंप्लीट, सॉरी 1927 में स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट हुआ 1932 के आसपास। ये है मेन एंट्रेंस ऑफ द वृंदावन गार्डन। ये गार्डन का टाइमिंग है मॉर्निंग 9 o'clock को ओपन होता है और शाम को 8 बजे क्लोज होता है। डैम का नाम है कृष्णा राज सागरा, इट इज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कावेरी। यहाँ पे हम लोग वृंदावन गार्डन पहुंचे 7:20 के आसपास और यहाँ पे हम लोग ने फाउंटेन शो देखा। तो यहाँ पे हम लोग का गार्डन तो घूम के हो चुका है पर गार्डन किया ब्रो अपन ने बहुत फास्ट फास्ट भाग भाग के हम लोग ने सब स्पॉट्स कवर किया मीन्स गार्डन मेन। और गार्डन में रात के टाइम में लाइट्स बहुत कम है इसलिए आप हो सकते हैं तो 4-5 के आसपास आ जाओ, यहाँ पे भाग भाग के आया इसलिए। और यहाँ पे हम लोग ने लेजर शो भी देखा जो कि लास्ट मोमेंट में हम लोग पहुँचे वहाँ पे और वो लेजर शो 2 मिनट के बाद बंद हो गया। सैड ब्रो, पर अपन ने तो देखा ब्रो, थोड़ा सा देखा, देखा ना जितना देखा उसमें खुश रहने का कभी भी। और मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं डैम रिजर्वॉयर, यहाँ पे बोटिंग भी है जो कि बोट फैसिलिटी आपको वहाँ से पिक करेगी और गार्डन के यहाँ पे ड्रॉप करेगी। यहाँ पे सब लोगों ने मैसूर पाक लिया है जो कि मैंने भी 2 बॉक्सेस लिया घर के लिए और बाकी सब लोगों ने
अभी हम आ चुके हैं हम लोग के होटल में। हम लोग गार्डन बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि बिकॉज अभी हम लोग का है डीजे पार्टी। अभी हम लोग का होटल में डीजे पार्टी और राइट नाउ इट्स 8:30। सो हम लोग को जल्दी जल्दी रेडी होके जाना है डीजे पार्टी के लिए। लेट्स गो। और यहाँ पे हम टी वाई वाले एक सेकेंड, आपको पीछे डिजाइन दिख रहा है जो कि बटरफ्लाई का, वो एक्चुअल लाइट्स में, वेट आपको फ्लैश लाइट लगेगा, इट वोंट ग्लो, ऐसा ग्लो होने वाला है। और ऐसा सेम टी शर्ट हम सभी लोग ने लिया है और डीजे नाइट में। ब्रो